तो हम लोग को कोई गार्ड सपोर्ट नहीं किया। ऊपर से जब लोकल हम लोग पे हाथ उठाने लगा, कोई गार्ड हेल्प करने के लिए नहीं आया, हम लोग को लोकल आके पीटा है। यहाँ तक कि गार्ड भी धमकी देता है, गार्ड भी धमकी देता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, बाहर में आओ तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। गार्ड यहाँ बताइए, हम लोग बंद कर दीजिए। स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में आज प्रथम वर्ष के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। यह छात्रों का पहला हंगामा था जो मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं को लेकर किया गया है। कहने को तो सरकार इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस वर्ल्ड क्लास का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कहती है, लेकिन जैसे कोरोना ने अस्पताल का भेद खोला, उसी तरह आज छात्रों ने भी कॉलेज का भेद खोल दिया। आज छात्र अपने हॉस्टल से निकलकर मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर आ गए, गेट को बंद कर दिया, इमरजेंसी सेवा को भी ठप करने का प्रयास किया। इस दौरान स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों में झड़प भी हुई। करीब दो घंटे की जद्दोजहद के बाद स्थानीय प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के आश्वासन पर छात्रों का हंगामा शांत हुआ। हंगामा कर रहे छात्रों का आरोप है कि पढ़ाई लिखाई तो छोड़िए, पीने के लिए शुद्ध पानी और खाने के लिए मेस का भी सही सिस्टम नहीं है। हालात तो यह है कि छात्रावास के 4 दिनों से बिजली बाधित है, नहाने और शौचालय जाने तक के लिए ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा है। छात्र ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लैब में कोई व्यवस्था नहीं है, मुर्दे को छोड़िए केमिकल तक नहीं है। शिक्षक कहते हैं किताब से पढ़ लो, क्या करोगे, यही व्यवस्था है। मेस में सही खाना नहीं मिलता है, बिजली नहीं रहने के कारण गैस लाइट में बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है और परीक्षा की तैयारी भी। अब जनरेटर चलाने के लिए कहा जाता है तो जवाब यही आता है, तेल बहुत लगता है। यह हाल उस मेडिकल कॉलेज का है जिसके उद्घाटन में बिहार के मुखिया और स्वास्थ्य मंत्री भी इसे वर्ल्ड क्लास बताया था, लेकिन तकरीबन 1.5 साल बाद भी यह अपनी मूल सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करता नजर आ रहा है। MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों ने बताया कि हम लोग इस भीषण गर्मी में 4 दिनों से बिना बिजली के ही रह रहे हैं। इसी बीच हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, मोबाइल क्लास को जलाकर पढ़ना पड़ रहा है। हम लोग मोबाइल और लैपटॉप इमरजेंसी में आकर चार्ज करते हैं, साथ ही 32 छात्राओं पर एक प्यूरिफायर तथा 75 छात्रों पर एक, यानी 100 छात्रों पर 2 प्यूरिफायर ही लगा हुआ है। वही मेस में 4000 में घटिया खाना देने का आरोप छात्रों ने लगाया है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के उपाधीक्षक डॉक्टर कृष्णा प्रसाद ने बताया कि सब कुछ ठीक किया जा रहा है। मौके पर सिंहेश्वर थाना के प्रशिक्षु DSP ससाना थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने छात्रों को शांत कराया। जरूरत होना चाहिए हम लोगों का, ना ही लैब में केमिकल्स है, ना ही इक्विपमेंट है, ना ही कैडेवर है जिसपे हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते। क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार। आपका क्या नाम है? सनी कुमार। आपका नाम क्या? सुमन कुमार। आपका? जीतू कुमार। आपका? बोलो। जो यहाँ पे आए सब ठीक है, और सब पे हाथ उठाया गया है, और देखिए मेरा पैर कट गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इतना हंगामा किया, सिक्योरिटी खड़ी थी, वैसे सिक्योरिटी खड़ा है, फिर भी आखिर ये परिस्थिति कैसे हुई, मारपीट की परिस्थिति कैसे आई? मारपीट की परिस्थिति आई कि आके हम लोगों पे हाथ उठाने लगा, ठीक है। हम लोग उसको रोक रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो लोग हाथ उठाने लगे हम लोगों पे, पैर काट दिया गया। पाइप से पाइप दिखाओगे? पाइप से मारा है। आप लोगों ने इमरजेंसी सेवा भी बंद कर दी थी। एक करके बोलिएगा, ना कोई साफ करने आता, ना इंडोर स्टेडियम भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, और सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। इस चीज के लिए मार के पैर काट दिया, देखिए तो कोई देखने वाला नहीं, पीठ के पीछे मारा गया है, देखिए पैर काट दिया, को मारा गया। हमारे यहाँ हुआ ये है कि कुछ दिन पहले, मतलब आज के एक दिन पहले, कल आई लाइट, उससे 3 दिन पहले लाइट नहीं थी, रात में कटी, हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, हमारे एग्जाम्स थे, उसके बीच में लाइट कटी, उसके बाद इंटरनल्स एग्जाम चल रहे थे, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई एग्जाम्स में, फिर भी हम लोगों ने कैसे कैसे मैनेज किया। लेकिन क्या हुआ, 3 दिन से कंटिन्यू नहीं आया, पानी नहीं है हॉस्टल में, ना पीने का पानी नहीं, हम लोग बाहर से खरीद करके, रात में भी हम लोग को आना पड़ता है, बाहर से खरीद करके हम लोग पानी ला रहे हैं, फोन चार्ज करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फोन लैपटॉप कुछ भी, हम लोग हॉस्पिटल आके फोन चार्ज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ना पानी है, ना टंकी सिंटेक्स में पानी है, ना पीने का पानी है, लाइट तो बिल्कुल नहीं है, गर्मी से तो हालत खराब, ऊपर से मच्छर है,
यहाँ पे मधेपुरा का जो सिचुएशन है, मधेपुरा की जो सिचुएशन वहाँ पे इतनी मच्छर है, अगर किसी को मलेरिया हो गया तो यहाँ पे जनरेटर नहीं है, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जनरेटर नहीं है, कैसा चलेगा काम? हम लोग 3-4 दिन से जो है ना बिल्कुल नहीं है, मतलब बिल्कुल लाइट नहीं है। अभी क्या हुआ, कल आया शाम में, आज सुबह खत्म हो गया, 10 बजे के आसपास में लाइट कट गई, पानी सब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लाइट नहीं आ रहा, पानी भी नहीं है। बताइए कैसे चलेगा बिना पानी? जो बेसिक नीड्स होती है हर इंसान की, खाना पानी, वो सब के बिना कैसे चलेगा?